दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हाल ही में खोजी गई 10 रोचक आर्कियोलॉजिकल खोजों के बारे में बताएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 10, ग्रीन आइसबर्ग्स। एंटार्क्टिका में हरे रंग के दिखने वाले ये आइसबर्ग कोई नई बात नहीं है। सभी ये जानते थे कि ये सालों से यहाँ पर है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता था कि इनका निर्माण कैसे होता है। मार्च 2019 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक रिपोर्ट में सामने आया कि इस हरे आइसबर्ग का क्लाइमेट चेंज आदि से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि ऐसा सिर्फ पानी में उपस्थित आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। ग्रीन आइसबर्ग्स का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन एमरी आइस शेल्फ नाम की जगह पर है, और यहीं पर आयरन ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन भी सबसे ज्यादा है। वैसे तो इनका रंग हरा नहीं होता है। अगर आप इनका एक टुकड़ा अलग काट कर किसी बॉटल में रखेंगे तो ये दूसरी आइसबर्ग जितनी ही सफेद होगी। इन पर पड़ने वाली लाइट कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट होती है कि ये हरे नजर आते हैं। नंबर 9, बेबी लयूबा। बेबी लयूबा हाल ही में खोजा गया एक मैमथ के बच्चे का अवशेष है। इसकी खासियत ये है कि ये अब तक का खोजा गया किसी भी मैमथ का एकमात्र कंप्लीट और सबसे अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया अवशेष है। ये स्केलेटन 42,000 साल पुराना है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अपनी मौत के समय वो सिर्फ 30 दिन की थी। साइबेरिया में यामल पेनिनसुला को क्रॉस करते समय उसने कीचड़ को इनहेल कर लिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें रुकने से उसकी मौत हो गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसके शरीर पर लिपटी इसी मिट्टी की वजह से उसका शरीर संरक्षित रह पाया था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इसे खोजा गया था तब भी इसके पेट में इसकी माँ का दूध था। नंबर 8, एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ ग्रीस। प्राचीन ग्रीस दुनिया की सबसे पॉपुलर सिविलाइजेशंस में से एक है। हालांकि इस सभ्यता के अधिकतर रहस्य पुरातत्वविद सुलझा चुके हैं, लेकिन यहाँ से भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। दिसंबर 2020 में एलिस में आर्कियोलॉजिस्ट ने 8 नए मकबरे खोजे हैं। एलिस ही वो जगह है जहां पर पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ये मकबरे लगभग 2300 साल पुराने हैं और ये जगह सदियों तक कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग की जाती थी। इस जगह क्लासिकल पीरियड के साथ साथ हेलेनिस्टिक एरा के भी अवशेष दफन किए गए थे। ऐसी साइट्स इंफॉर्मेशन का एक बार स्रोत होती हैं। यहाँ पर एक्सकेवेशन कार्य अभी भी जारी है और आर्कियोलॉजिस्ट को उम्मीद है ये साइट ग्रीस के प्राचीन मध्यवर्गीय तबके से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकती हैं। नंबर 7, मिस्टीरियस रॉक पेंटिंग्स ऑफ कोलंबिया। दुनिया की लगभग हर एक प्राचीन सभ्यता में केव पेंटिंग्स, क्लिफ पेंटिंग या फिर किसी अन्य तरह की पत्थरों पर उकेरी आकृतियों को बनाने का चलन तो था ही। कोलंबिया में भी एक इसी तरह की रॉक पेंटिंग खोजी गई है। ये आर्टवर्क कोलंबिया के अमेजन रीजन में है। ये पेंटिंग लगभग 13 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है और इनकी ये खासियत सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी है। लेकिन अजीब बात यह है कि इतने सालों से किसी ने कभी इन 12,500 साल पुरानी आयरन एज पेंटिंग्स को नोटिस क्यों नहीं किया। ये इतनी महत्वपूर्ण है कि कुछ हिस्टोरियंस इनकी तुलना प्राचीन विश्व के सिस्टाइन चैपल से कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इन्हें इस हिस्से पर सबसे पहले पहुंचने वाले ह्यूमंस ने बनाया होगा। इन पेंटिंग्स में उन इंसानों के हाथों के निशान, घोड़े, मैस्टोडन स्लॉथ जैसे जानवरों की आकृतियां भी बनाई थी। इनमें से कुछ क्रीचर्स तो ऐसे भी हैं जो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। इनमें कुछ ऐसी इमेजेस भी हैं जिनमें इंसान लकड़ी के टावर से बंजी जंपिंग करते नजर आ रहे हैं। इन पेंटिंग्स ने हिस्टोरियंस को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। नंबर 6, 5000 ईयर ओल्ड स्केलेटन ऑफ अ व्हेल। दोस्तों किसी भी बीच पर समुद्री जीवों के शरीर के अवशेषों का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर समुद्र की लहरों के साथ सी क्रीचर्स के स्केलेटन बीच पर आ जाते हैं, लेकिन इनमें से कई हमें सालों पहले नष्ट हो चुकी स्पीशीज के बारे में काफी कमाल की जानकारियां भी देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब थाईलैंड के एक बीच पर करीब 5000 साल पहले पाई जाने वाली इस व्हेल का स्केलेटन मिला। ये सालों पहले पाई जाने वाली ब्राइड्स व्हेल है और कमाल की बात यह है कि इस व्हेल की प्रजाति अभी भी पाई जाती है। इस बात से एक्सपर्ट्स और भी उत्साहित हैं क्योंकि अब वो सालों पहले पाई जाने वाली इस व्हेल की तुलना आज की व्हेल से कर पाएंगे। क्लाइमेट का असर व्हेल के इवोल्यूशन पर किस प्रकार हुआ है ये पता लगाना भी आसान हो जाएगा। नंबर 5, मिस्टीरियस इजराइल किंग। दिसंबर 2020 की शुरुआत में ही कुछ लोगों ने दावा किया कि शैमनिज्म 3 के ब्लैक ऑबेलिस्क ही एक ऐसा रेफरेंस है जिसमें इजराइल के जुहू नाम के राजा का जिक्र है। शैमनिज्म 3 जो कि एक प्राचीन असीरियन शासक था जिसने 2800 साल पहले शासन किया था। पहले ऐसा माना जाता था कि इजराइल के राजा जुहू का जिक्र बाइबल के अलावा कहीं नहीं है, लेकिन इस खोज के बाद जुहू को मिथ समझने वाले लोगों के मुंह पर ताला लग गया। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस ऑबेलिस्क पर लिखे हुए इंस्क्रिप्शन का ट्रांसलेशन सब्जेक्टिव हो और इसलिए उसी समय इजराइल पर राज करने वाला राजा यहोराम के नाम को जुहू पढ़ा गया हो।
इस खोज ने पुरातत्वविदों के लिए एक नई पहेली खड़ी कर दी है जो शायद कभी नहीं सुलझ पाएगी। नंबर 4, मिस्टीरियस टूम्ब इन जर्मनी। जर्मनी के मकबरे में जो मिला वो दिल दहला देने वाला था। असल में एक टूम्ब से 6 महिलाओं के कंकाल मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये शायद इन औरतों की मौत किसी बलि देने के रिचुअल में हुई होगी। कब्र में इन औरतों के साथ कुछ जानवरों के भी कंकाल मिले हैं। साथ ही साथ इसमें काफी मात्रा में गोल्ड भी मिला है, जिससे एक्सपर्ट्स ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सब किसी भगवान को भेंट चढ़ाया गया होगा। ये टूम्ब सैक्सोनी एनहाल्ट जर्मनी में सितंबर 2020 में खोजा गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले 40 सालों में ये जर्मनी की सबसे सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल खोज है। हालांकि अभी तक उस इंसान के अवशेष नहीं खोजे जा सके हैं जिसके लिए ये मकबरा बनवाया गया था। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि उसके शरीर के अवशेष पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। इस साइट पर एक्सकेवेशन कार्य अभी भी जारी है। हम उम्मीद करते हैं जल्द ही आर्कियोलॉजिस्ट इस टूम्ब के रहस्य को सुलझा लेंगे। नंबर 3, आइस एज हॉर्स। लास वेगास में एक पूल का निर्माण करते समय वर्कर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। सतह के 1.5 मीटर नीचे कई हड्डियां दफन थी। ये हड्डियां 14,000 साल पहले आइस एज में धरती पर पाई जाने वाली एक घोड़े की थी। किसी ने भी लास वेगास में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये हड्डियां अभी भी वैसे ही कनेक्टेड थी जैसे घोड़े के जिंदा रहने के समय थी। इससे पता चलता है कि घोड़े को उसकी मौत के तुरंत बाद ही दफना दिया गया था। जिस कपल के घर में ये हड्डियां मिली थी उन्होंने पूल का कंस्ट्रक्शन होल्ड पर डाल दिया ताकि रिसर्चर्स इनको इकट्ठा कर सकें। अगर आपको आपके घर के बैकयार्ड में किसी जानवर की हड्डियां मिले तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, 300 ईयर ओल्ड लॉस्ट शिप। 2019 में स्वीडन के वैक्सहोम में 2 शिपरेक पाए गए। इनकी बनावट बिल्डिंग शिप जैसी थी। इस तरह के शिप 17वीं शताब्दी में काफी प्रचलित थे। पुरातत्वविद ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि इनमें से एक काफी समय पहले खोया एपलेट नाम का जहाज हो सकता है, लेकिन 2021 की शुरुआत में ये कंफर्म हो गया कि इनमें से एक शिप अपोलो है जबकि दूसरा मारिया, जिनका निर्माण 1648 में हुआ था। इन दोनों शिप्स का इस्तेमाल नॉर्दर्न वॉर और 1657 में हुई बैटल ऑफ द मॉम में हुआ था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार 1676 में ये दोनों शिप्स डिफेंस बैरियर बना दिए गए थे, लेकिन इसकी लोकेशन किसी को पता नहीं थी। पर आखिरकार 300 सालों बाद इसका रहस्य सुलझा लिया गया, पर एपलेट अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 1, ब्रॉन्ज एज आर्टिफैक्ट्स। इंग्लैंड की ब्रॉन्ज एज की ये खोज काफी धीमी लेकिन सिस्टमैटिक गति से चल रही है। ये खोज 1999 में शुरू हुई थी जब पहली बार इस स्वॉर्ड के नजदीक इस साइट से कुछ लकड़ी की पोस्ट मिली थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब और अवशेषों के मिलने की आशा में और खुदाई की तो वो शॉक्ड रह गए। 2011 में उन्हें ब्रॉन्ज एज की 8 लॉग बोट्स मिली। 2012 तक पुरातत्वविद समझ चुके थे कि इस जगह पर भूगर्भ में ब्रॉन्ज एज का पूरा शहर दफन है। 2020 में हिस्टोरियंस हैरान थे कि इस जगह से मिले आर्टिफैक्ट्स बिना इस्तेमाल किए और नए कैसे लग रहे थे, पर इसका भी जवाब उन्होंने खोज लिया था। इस शहर के बसने के 1 साल के अंदर ही ये आग लगने से नष्ट हो गया था। कुछ बर्तनों में तो खाने का सामान भी मिला है। ये सभी अवशेष 2800 से 3000 साल पुराने हैं। पर इस साइट पर खोज कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट यहां से कई और राज खोलने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में खोजी गई 10 आश्चर्यजनक और अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल खोजें। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।